आज के करंट अफेयर्स के पेपर को देखते हुए एक बात सामने आई है, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ है जो OBOR वाला है, स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ चाइना, और दूसरा क्वेश्चन जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो भी रिपीट हुआ है, वर्ड्स डिफरेंट हैं। मैंने सबको 2017 और 18 का पाथ अफेयर्स का पेपर भेजा है। रिस्क फ्री अप्रोच ये है कि कुछ टॉपिक्स आप प्री पार्टीशन के कर लें, सारा करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी टॉपिक्स पोस्ट पार्टीशन ही के करें, क्योंकि 2017 का सारे का सारा पाक अफेयर का पेपर पोस्ट पार्टीशन से आया हुआ है। तो प्री पार्टीशन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव जिस टॉपिक को करने की ज़रूरत है वो है टू नेशन थ्योरी, जिनाज विजन ये आया था 2016 में, लाहौर रेजोल्यूशन के साथ टू नेशन थ्योरी कैसे कनेक्ट करती है, और फिर आज का जो मुस्लिम्स की हालत है टुडेज़ इंडिया में अंडर मोदी रेजीम, तो ये चीज़ रेप्लीकेट करती है सिग्निफिकेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी की, ये ठीक थी, शायद इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलामा इकबाल विजन ये आ चुका हुआ है 18 में आई थिंक, टू नेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव में, और सर सैयद का विजन अलीगढ़ मूवमेंट की फॉर्म में इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन है टू नेशन थ्योरी की। तो अगर आपने कोई कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन तैयार करना है प्री पार्टीशन से, दैट इज टू नेशन थ्योरी। उसके बाद है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रूल 1937 और 1939, दो साल ये चला था, जिस तरह आज हम हिंदुत्व डॉक्ट्राइन का जो है प्रैक्टिकल एक उस शक्ल में हम देख रहे हैं, तो इसी तरह की मैनिफेस्टेशन थी इन टू इयर्स में, जिसने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था उस वक्त की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स पे, और उससे मुस्लिम और हिंदू नेशनलिज्म की डिवीजन ज़्यादा डीप हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट्स इन परस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। जब मैं मुस्लिम नेशनलिज्म कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट, उस परस्पेक्टिव को जहन में रखना है जब भी खिलाफत मूवमेंट को आपने प्रिपेयर करना है और अलीगढ़ मूवमेंट को करना है। बहरहाल ये दो मूवमेंट्स आप कर लें। अब शुरू होता है पोस्ट पार्टीशन। सोशल चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, आप गूगल करके भी कर सकते हैं। सोशल चैलेंजेस एटलीस्ट 6 मेन सोशल चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए, जैसे इलिटरेसी और पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा वो हमारा एक चैलेंज है वो भी आ जाता है इसमें। अभी रिसेंटली नेशनल सेंसस हुआ था तो वो भी सोशल चैलेंजेस को नेशनल सेंसस के साथ ब्रिज करके पूछा जा सकता है, 2017 का जो मर्दमशुमारी नेशनल सेंसस है। इकॉनमी की बात बहुत हुई है पूरा साल, दो मिनी बजट एक फेडरल बजट आया, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग IMF प्रोग्राम एंड डेट, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है इकॉनमी में। इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमेशा एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है जब भी हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हों। इसके साथ फाटा रिफॉर्म्स 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाटा रिफॉर्म्स का क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है इसको, अब जब हमने KPK में मर्ज किया है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू जस्ट 2 आर्टिकल्स ऑफ एनी न्यूज़पेपर और ऑफ एनी मैगजीन विच यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ, लोकल गवर्नमेंट इश्यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आर्टिकल 140 जो कि 18th अमेंडमेंट की सूरत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, जिसने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बताया है, वी डू हैव लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू हैव मोर पावर, इनके इश्यूज क्या हैं, ये भी एक हॉट डिबेटेड क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर्स के परस्पेक्टिव में। नेशनल वाटर पॉलिसी 70 ईयर्स में पहली दफा 2018 में आई है, आप अगर गूगल करेंगे वो डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो उसके पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 10 तक आपके पढ़ने की चीज है। अदरवाइज जिस तरह आज के पेपर में सवाल था पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी, तो जिसने एनर्जी पॉलिसी की एग्जेक्टिव समरी पढ़ी है वही उस पर को अटेम्प्ट कर सकता है, और जिसने वाटर पॉलिसी की एग्जेक्टिव समरी पढ़ी होगी या 5 to 10 पेज पढ़ा हुआ होगा तो वो जो है इस पर अटेम्प्ट कर सकेंगे। बाकी वाटर इश्यूज जिसमें दया मीर भाषा डैम और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान, क्योंकि जो नई हुकूमत है उसके क्लाइमेट चेंज और ग्रीन पाकिस्तान और इस पर बड़ा फोकस है मिलियन की प्रोग्राम पे। आखिर पे एक्सटर्नल साइड है रिलेशंस विद नेबर्स, 4 नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, इंडिया। तो अफगानिस्तान अफगान पीस प्रोसेस के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और सारे साल इसमें डेवलपमेंट्स ज़्यादा हुई हैं। इंडिया आप लोग तैयार करते ही रहे होंगे करतारपुर वाले उस परस्पेक्टिव में। ईरान के साथ हमने रिलेशनशिप रिवाइज किया है, रिस्टोर किया है, उसमें बेहतरी आई है, और चाबहार वर्सेस सीपैक वाला कॉन्टेक्स्ट भी पाक ईरान रिलेशंस का बनता है।
फिर इसके बाद पाक चाइना है वो ऑल टाइम फेवरेट सीपैक की डोमेन में ही चल रहा है। आज आप लोग वन बेल्ट वन रोड पे जो कह रहे हो उसको आपने सीपैक पे स्विच करना होगा, कोई कैंडिडेट शायद ही ऐसा हो जिसने सीपैक ना तैयार किया हो। इसके बाद अफगानिस्तान मैंने स्पेशली लिख दिया, उसको देख लें। इसके अलावा रशिया, सऊदी अरेबिया और यूएस के साथ, ऑल्दो यूएस के साथ क्वेश्चन आया है 18 में लेकिन रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत बात हुई है। प्लस ये कि रशिया और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशनशिप पहले से बहुत बेहतर हुए हैं और उनमें मोमेंटम आया, एक्टिविज्म आया। नई गवर्नमेंट आई है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फॉर न्यू गवर्नमेंट एक क्वेश्चन बनता है। अगर ये सवाल आता है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट अच्छी है बुरी है, हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैलेंस कैसे रखेंगे, दैट इज ऑल्सो ए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट। सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप आफ्टर 18th अमेंडमेंट, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कम डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है। जिन्होंने थोड़ा सा 18th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है वो आप बता सकते हैं बेहतर अंदाज से कि पहले सेंट्रल प्रोविंसेस रेवलरीज ज़्यादा होती थी, अब चूंकि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है अब रेवलरीज कम होती हैं। पाकिस्तान रोल इन द रीजन, इन द रीजन सार्क और SCO और अफगान पीस प्रोसेस। सो दिस कैन बी अ गुड पैकेज to have a brief study, to have a brief look, to have outlines along with having a look on the PAK affairs paper of 2017, 2018 and 2016। इनमें से कोई भी question या तो exactly repeat हो सकता है या फिर उस जैसा question आ सकता है। Thank you, good luck।